1982 में मैंने गाया था, पहला एल्बम में दो ही गाने मैंने गाए थे। एक गाना था इमरान खान इज अ सुपरमैन, सुपर 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 सुपरमैन, और उस सुपरमैन, ये गाना मैंने गाया था और ये गाना इतना हिट हुआ, इतना हिट हुआ। और दूसरा गाना था आहे तू राफ्ती कुजा मानम तू मजनून, आहे सियाहे जांगी दिलाम ते खुन खुन, ए जमलो जमालो जमलो जमल भूगो, ये तो जमलो जमालो जमलो जमल भूलो, मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं, तेरे लिए मैं बना मेरे लिए तू, आ जाने मन दिल में आ जाने मन्ना, आ जाने मन दिल में आ जाने मन्ना, आ जा जाने मन आ जा जाने मन्ना। ये दोनों गाने में सुपर डुपर बम्पर हिट, जहां से फिर मैं यहाँ खड़ा हुआ आकर। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ साउथ एशिया का प्रोग्राम टी टाइम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ना कि सिर्फ अपना और मुल्क का नाम भी रोशन किया है, और उनकी आवाज का जादू अब भी ऐसे ही चल रहा है, जो भी सुनता है उनका विविधा हो जाता है। ना कि पाकिस्तान बल्कि बॉलीवुड में भी उनके काम को पसंद किया गया बल्कि उनके गानों को कॉपी किया गया। सदारती अवार्ड याफ्ता फनकार हसन जहांगीर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं राहिल आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। हसन भाई क्या कहेंगे, और सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात चल रही है? आजकल मेरे नए गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है, नए शोज हो रहे हैं बाहर में, और अभी वर्ल्ड टूर पे मुझे जाना है। और प्लस सबसे बड़ी जो मेरी आजकल मसरूफियात है, ड्रीम्स कम ट्रू, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे सितारा इम्तियाज़ से नवाजा और मेरे नाम से स्ट्रीट का नाम रखा हसन जहांगीर स्ट्रीट पाकिस्तान हाईवे पे, और माशाल्लाह से, और इस तरह के कोई पार्क्स भी हैं, और ये एक म्यूज़िक एकेडमी मैंने बनाया है माशाल्लाह से, हसन जहांगीर म्यूज़िक एकेडमी, जो नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एल कराची सिंध पाकिस्तान में। बिल्कुल। और यहाँ माशाल्लाह से आर्ट कल्चर की सारी ट्रेनिंग दी जाती है, म्यूज़िक में वायलिन गिटार सिंगिंग वॉइस ट्रेनिंग वोकल ट्यूनिंग क्या क्या चीज़ें जिस तरह से करना है आपने, रिदम डिपार्टमेंट के लिए कीबोर्ड गिटार स्पेनिश गिटार बेस गिटार ड्रम हर चीज़ की ट्रेनिंग वंस यू कम और आप सब कुछ। बिल्कुल जी। अच्छा हसन भाई ये बताइएगा, अक्सर हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो लेजेंड गुलकार थे उन्होंने सिर्फ अपना गाया और एक वक्त तक फिर गाते रहे फिर साइड हो गए, तो ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? तो जो एक स्टारडम था जो क्रेज था, तो कहीं आप उसका शिकार होकर साइड हो जाते बजाय इसके कि आपने गाना सिखाना शुरू किया, तो ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। बेसिकली देखें दुनिया में बड़े बड़े लेजेंडरी लोग गुजर गए, बहुत सारे लोग गुजर गए जिनका बहुत बड़ा नाम, लेकिन आज उनका फॉलोवर्स ऐसे ही अपने तौर पे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई एकेडमी इंस्टीट्यूट रिकॉर्डिंग सिस्टम वगैरह उन्होंने छोड़ के ऐसा कुछ नहीं गए कि लोग सीखें सिखाएं या सिखाया गया हो। तो मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान से अल्लाह ने दुनिया भर में मुझे एक इज्जत मुकाम नाम शोहरत दिया है, तो इन सूरज से मैंने चुरा कर अपने आप को रोशन किया है, तो मैं चाहता हूँ मेरी रोशनी से मेरे मुल्क के नौजवान आने वाले जनरेशन के लोगों को मैं ट्रांसफ़र कर सकूं, ताकि कल उनसे भी ये चीज़ें आगे ट्रांसफ़र हो, ताकि एक सिलसिला चलता रहे। कहते हैं ना, और कहते हैं कि यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है। तो हसन भाई थोड़ा चलते हैं पीछे की तरफ जी, वो हसन जहांगीर जब छोटे से थे और किस तरह से शौक हुआ, किस तरह से इस फील्ड में आए, क्या आसानी से हसन जहांगीर बन गए या आपने भी बड़ी मेहनत की? मैंने बचपन से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मुझे बहुत शौक था म्यूज़िक सुनने का। जब मैं सुनता था तो उस ज़माने में टेप रिकॉर्ड रेडियो वगैरह में गाने बजते थे, तो मैं सोचता था, मेरे दिल में आता था कि इतनी खूबसूरत आवाज़ के लोग अंदर कितने खूबसूरत होंगे और इतने से सिस्टम में ये आवाज़ आ रही है। तो मैंने एक दिन रोज़ सोचा, मेरे दिल में सोचता किसी ऐसे टाइम में ये गा रहे होंगे और मैं इसको तोड़ के चेक करूँगा कि बिल्कुल लोग निकलते कैसे। ज़ाहिर डांट पड़ी तोड़ ओड़ के क्या निकलना था, वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ। तो मैं पेंटिंग में तो कुछ काम करता ही था, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि म्यूज़िक को सीखना चाहिए। अब मैं जिससे बोलूँ यार म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ क्या करूँ, कोई जगह कोई सिस्टम कोई इदारा नहीं था जो हम म्यूज़िक सीख सके। तो हमारा उस्ताद
रेडियो एफएम वगैरह ही था, उनसे ही सुन सुन के हम गाते थे। ट्यून कुछ होता था कुछ हम गा देते थे इस तरह से, क्योंकि जाहिर दोबारा तो कभी वो गाना बजेगा तो फिर मुझे सुनाई आएगा, लेकिन टेप रिकॉर्ड जब से आया तो एक गाने को 10 दफा आप सुन सकते थे। तो फिर मैंने सोचना प्लानिंग किया, जो जो खूबसूरत सिंगर थे, जो जो मुझे पसंद आते थे, मैं सोचता था कि ये इन्होंने कैसे किया, तो उनकी अच्छाइयों को मैं फील करता था, समझता था। लेकिन जाहिर जितने अकल जितना शऊर होगा, कोई सिखाने वाला तो था नहीं, अपने जहन से कितना सीख सकते। तो हमने अपने तौर पर कोशिश की उतना ही सीखने की जितना हम सीख सकते, लेकिन ऐसा करने में मैंने बिल्कुल यकीनन एक मुश्किल टास्क था आपके लिए एक बच्चा। तो आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी या आप भी चुपके चुपके जाते थे ऑडिशंस के लिए या सीखने के लिए गाने के लिए, या फैमिली सपोर्ट थी आपको? बिल्कुल फैमिली सपोर्ट नहीं थी। और मैं देखता था कि हीरो गा रहा है फिल्म में, तो बाद में मैं पढ़ता था कि लिरिक किसी ने लिखा है, म्यूजिक डायरेक्टर कोई है, सिंगर कोई और है। तो मैंने सोचा यार अब हीरो सब माचो, ये लोग खूबसूरत, तो मैं सोचता था ये सारी चीज़ें एक में होना चाहिए। तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, फिटनेस ट्रेनिंग करता था मैं, एक्सरसाइज करता था, फिर रात को किसी को ढूंढता था म्यूजिक के लोगों को कि उनके पैर हाथ सीधे करके मैं बोलूँ भाई गाना थोड़ा बहुत बताएं सिखाएं। तो इस तरह से कोई लोग, तो मेरे दोस्त एक मिला तो उसको सिंगिंग का शौक बहुत बहुत अच्छा सिंगिंग था, लंदन से आया हुआ था, गाता अच्छा था, और मेरी परफॉर्मेंस की हमेशा तारीफ करता था, कहता यार मैं बाहर से आया हूँ तुम्हारी तरह परफॉर्मर मैंने बहुत कम देखा, बाहर भी नहीं है। और माशाल्लाह अब तक इतने एनर्जेटिक है, और जब आप बात कर रहे होते हो और इसी लम्हे अगर हम आपको स्टेज पे भेज दें तो वो हसन जहांगीर बिल्कुल अलग तरह का है, तो स्टेज पर जब आते तो इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? बहुत अच्छा, मैं इंडिया में जब परफॉर्म कर रहा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, मिड डे वगैरह जितने भी अखबारों में लिखा जाता था कि ही कम ऑन स्टेज, वंस ही कम ऑन स्टेज इलेक्ट्रीफाइड द ऑडियंस, मैजिक ऑफ ऑडियंस और हिप्नोटाइज द क्राउड, वाइल्ड हिस्टीरिया। हसन जहांगीर जब आते हैं तो एक जादू मैजिक करके लोगों को दीवाना कर देते हैं। तो मेरा जो दोस्त था वो मुझे सिंगिंग सिखाता था, उसको मैं परफॉर्मिंग सिखाता था, परफॉर्म कैसे करना है, तो फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई। और बड़ा मुश्किल काम होता है कि लाइव सिंगिंग करते करते आप परफॉर्म भी करें, आप बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से डांस भी कर रहे हैं और उसमें सुर लय ताल को भी बैलेंस, तो वही मैं सोचता था मुश्किल काम है। बिल्कुल राहुल, मैं उस वक्त क्या सोचता था कि आप लाइक आप सिनेमा में हीरो है, आप फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग फर्क क्या है कि आप गा भी रहे हैं, गाना भी अपना खुद बनाते हैं, म्यूजिक भी आपका होता है, स्टाइल भी होता है, कोरियोग्राफ आप खुद कर रहे होते हैं। तो जब चीज़ें मैंने करनी शुरू की तो लोग मुझे शो में देखते थे आंखों से मुझे कैसे जादू कर रहे हैं। ये जो मैशअप था ये भी इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में हसन जहांगीर साहब ने कराया, क्योंकि उससे पहले नॉर्मली सिंगर स्टेज पर आता था माइक के साथ, उसने गाया सूट पहन और सूट पहन हाथ में किताब या हारमोनियम लेके, बस बड़ा आर्टिफिशियल सा लगता था कि ऐसा लगता है गा भी रहे नहीं। तो उसके बाद थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, हिप हॉप आया। पहला गाना हसन भाई कौन सा था जो आपने गाया? हाय हाय, आज वो फिर नकल हो गया, फिल्म में फिर आ गया, और वो गाना था मेरा 1982 में मैंने गाया था, पहला एल्बम में दो ही गाने मैंने गाए थे। एक गाना था इमरान खान इज सुपरमैन, सुपर 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 सुपरमैन, सुपरमैन, ये गाना मैंने गाया था, और ये गाना इतना हिट हुआ, इतना हिट हुआ। और दूसरा गाना था आहे तू रफ्ती कुजा मानम तू मजनून, आहे सियाहे जांगी दिलम ते खुन खुन, ए जमलो जमालो जमलो जमल भुगो, ये तो जमलो जमालो जमलो जमल भुलो, मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं, तेरे लिए मैं बना मेरे लिए तू, आ जाने मन दिल में आ जाने मन ना, आ जाने मन दिल में आ जाने मन ना, आ जा जाने मन आ जा जाने मन ना। ये दोनों गाने में सुपर डुपर बम्पर हिट, जहाँ से फिर मैं यहाँ खड़ा हुआ आकर। तो ये गाना आपके लिए मैंने इसलिए नजर किया है कि आज जो एनिमल फिल्म में ये गाना चल रहा है, इस गाने को अगर आप पीछे बैक में सर्च करेंगे तो हसन जहांगीर का स्टाइल, मेरा पहले ये मेरा रजिस्टर साइन था, जैसे आज हवा हवा उस वक्त ये गाना था मेरा स्टाइल में कि हसन जहांगीर आएंगे तो मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं, जमालो 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 जमालो। और आज भी देखिए ये गाने इस वक्त सुपर हिट हैं, इंडिया में कॉपी किए जा रहे हैं, और जो हमारे न्यू जनरेशन है और इन तक की बात पहुंचाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसा काम हुआ है और पाकिस्तान का जो म्यूजिक है चाहे वो आर्टिस्ट हो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। और देखिए कि कितने साल पहले आपने 82 में इस गाने को रिलीज किया, हिस्ट्री है सर ये 82 का गाना, आज फिर फिल्म में मेरा देखिए सेम लिरिक उन्होंने डाला और आज भी उसी तरह से मकबूल है माशाल्लाह। देखिए हवा हवा भी
जब बॉलीवुड मूवी में आया, उसके बाद एक बार फिर अभी तमिल फिल्म में आया, बिल्कुल, और उसी तरह से बार बार मकबूल 17-18 फिल्मों में आ चुका है। कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं कि एक मशहूर गाना 2-3 दफा किसी फिल्म में आया हो। हमारे आर्टिस्ट को आज के दौर में अगर हम देखें, अपने आप को मनवाने के लिए क्यों सरहद पार जाना पड़ता है? ज्यादातर सिंगर्स को आप देखिए कि जो बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर, अगर हम नाम ना भी लें, लोग समझते हैं कि जब वो पाकिस्तान में थे शायद इतने मकबूल नहीं थे, लोग जानते थे, मगर ये जरूरी है कि हम सरहद के उस पार जाएं तो हम पाकिस्तान में मकबूल होंगे? अच्छा, मुझे भी लोग ये समझते हैं कि शायद मैं इंडिया गया तो मकबूल हुआ, नहीं, मैं पहले हिट हुआ हूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब मेरी ब्लॉकबस्टर हिट हुआ मैं, तो वो सारी चीज़ें, वो गाने ट्रांसफर हुई, इंडिया चली गई। जब इंडिया गई तो हिट चीज़ जो होती है ना, वो जब आपके मुल्क में हिट होगी तो दुनिया में हिट होगी, वरना हिट नहीं होगी तो कहीं भी हिट नहीं होगी। तो मैं यहाँ से हिट होता है, दुनिया भर में जाता चला गया, और दुनिया भर में मेरी मशहूरत मेरी वजह शोहरत बनती चली गई। तो ये वजह है कि तो आपका आइडियल कोई सिंगर जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, बचपन से सुनते हो, कौन सा ऐसा सिंगर था? मेरे माशाल्लाह से सारे सिंगरों को मैं सुनता हूँ, और मैं माइकल जैक्सन का डाई हार्ट फैन। माइकल जैक्सन से बहुत चीज़ें मैंने सीखी, देखा, क्योंकि अगर मुझे मेरी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप मिलता था तो माइकल जैक्सन से क्यों, कि मैं भी परफॉर्म करता था, लोग मुझे कहते यार शो में इसको नहीं बुलाना तो एकदम शो को ये तहस नहस कर देगा, फिर हमारे कोई सुनेगा नहीं। लेकिन मुझे बाद में पता चला जो मैं काम कर रहा हूँ वही काम माइकल जैक्सन साहब भी करते थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्शन, जिसकी वजह से मुझे बहुत बकअप मिला, कॉन्फिडेंस आया। मैजिक ऑन स्टेज, मैजिक ऑफ वोकल, मैजिक ऑफ सिंगिंग, आज भी दुनिया में जो गाने, म्यूजिक, जो साउंड प्रोड्यूस मेहंदी माइकल जैक्सन साहब ने किया, वो आज पूरे गोरों की मैं चीज़ें सुनता हूँ, वो साउंड आज तक कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर सका। इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं जो परफॉर्मेंस करता है माइक लेके, ये अंदाज स्टाइल, तो लोग बताइए क्या कर रहा है, क्योंकि किसी ने ये देखा ही नहीं था। फिर मेरे स्टाइल, जॉगर, हेयर बड़े, स्कार्फ, माचो मैन एक्सरसाइज करता था मैं, टी शर्ट और लॉन्ग, एक जादू करता था। तो लोगों के जहन में तो कॉन्सेप्ट बना, सूट, बूट, टाई, थ्री पीस, हारमोनियम बजा के डायरी ले लो, यकीन डिफरेंट था, और आज भी माशाल्लाह आप फिट है, और फिटनेस का राज भी जानेंगे। और एक ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जिन्होंने लाइन में लगकर हसन जहांगीर साहब का ऑटोग्राफ लिया, वो कौन से सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, इस पर भी बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके साथ होंगे। और आज के टी टाइम में हमारे साथ हैं हसन जहांगीर। वेलकम बैक, टी टाइम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मारूफ गुलकार हसन जहांगीर से, जिनसे गुफ्तगू हो रही है। कुछ बचपन की बातें हैं, कुछ उस सुनहरे दौर की बातें हैं कि जब वो चाहे हुए थे और आज एक बार फिर चाह चुके हैं, जिस तरह से वो लोगों को सिखा रहे हैं, उनका काम दुनिया भर में अब भी पसंद किया जा रहा है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये कहा था कि उस आर्टिस्ट के बारे में भी बताएंगे, वो कौन सा बॉलीवुड स्टार है जिन्होंने ऑटोग्राफ लेने के लिए बड़ी तगड़ू करनी पड़ी थी, और जब हसन जहांगीर इंडिया में थे। तो हसन भाई, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, अब कुछ बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड आज भी हमारे दिलो दिमाग में है, हम खास पाकिस्तानी बन जाए, कुछ भी हो जाए, आज भी हम वो चीज़ें पसंद करते हैं। और जब बॉलीवुड आप गए तो वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कैसा रहा, पहली ऑफर किस तरह से आई, जब पहली बार बॉलीवुड से कॉल आई तो आपका क्या रिएक्शन? पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र आए हुए थे कराची पीसी में ठहरे हुए थे, उन्होंने देखा कि वहाँ मेरा कॉन्सर्ट चल रहा था, तो उन्होंने कहा ये तो हसन जहांगीर को ना कहें, इनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने मैनेजर को भेजा कि हसन जहांगीर साहब से कहें कुछ वक्त मिले तो हमसे मुलाकात करें। तो मैंने उनसे बताया कि मेरा ये नंबर है, उनसे कहिएगा मुझे कॉल करें, फिर बात कर लेंगे। तो मैं शो करके चला गया, मुझे कॉल आ गई कि हसन भाई आपने मिलना है और आप हमारे साथ डिनर करें। हम मिलने गए, मुलाकात हुई, तो उन्होंने फौरन कल्याण जी, आनंद जी भाई, अनु मलिक, भप्पी लहरी, सबसे बात बात करानी शुरू कर दी। और वो एक राजा, एक जानी सिंह ना खरम में, उनका जो खबाज सब, तो कल्याण जी भाई करे अरे हसन जहांगीर की तो कैसे यहाँ पर ठेले में बेच आ जाता है, तो हसन जहांगीर तो मुझे बात कराई, ये बात करें हसन जहांगीर। तो वो तो शॉक में आ गया कि कल्याण जी, आनंद जी भाई से बात हो रही है। बड़े नाम, बहुत बड़े नाम सर ये। तो मैं तो आई फील प्राउड, मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ पर पोस्टर लग रहे हैं, बिल बोर्ड्स लग गए हैं हसन जहांगीर, तो वहाँ से सिगरेट कंपनी थी पनामा, उसने बड़े बड़े बिल बोर्ड पूरे बॉम्बे में, इंडिया में बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए थे। तो फिर जब शो के लिए मैं गया तो वहाँ पर पामिला
एक मॉडल के बहुत बड़े फिल्म बन रही थी पामेला एंडरसन, तो वो लोग रिसीव करने, और नदीम शेरवन, बड़े बड़े म्यूजिक के जितने भी लोग थे सब एयरपोर्ट पे एक जैम। और एयरपोर्ट पे जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो कोई आदमी अपनी ड्यूटी पे नहीं था, हर आदमी मेरे साथ फ़ोटो बनवा रहा है और अपने ऑटोग्राफ ले रहे हैं और अपने कार्ड दे रहे हैं। किसी ने मुझे किसी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं हुई कि मैं चेक कर रहा हूँ या एंट्री और ये वो, सब मेरे काम ऐसे होते चले गए। अब बड़े बड़े स्टार में नाम लेना नहीं चाहता, अजीब सा लगता अपने मुँह से तारीफ करें हैं हीरो हीरोइन। अच्छा, एक किस्सा आपका बड़ा मशहूर है, वो बॉलीवुड स्टार का बताइए कि जो ऑटोग्राफ के लिए बेचैन थे और बाद में उन्होंने आपसे जिक्र भी किया कि मैंने लाइन में लगकर आपका ऑटोग्राफ लिया, तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा वो कौन सा स्टार। सर देखें, मैं अब नाम, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि नाम लेते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े से कुछ नाम ज़रूर कोट कर देता हूँ कि जब मैं शूट कर रहा था तो मेरा गाना, फिल्म थी 16-17 मुन्ना रिजवी की, किरण फिल्म की, और वो गाना था, अपन का तो दिल है आवारा, उसे प्यार करे जो लगे प्यारा। ये नदीम शेरवन की कॉम्पोजिशन थी। अब मैं शूटिंग कर रहा था विजय ऑस्कर डांस कोरियोग्राफर, तो जब मैं करने लगा तो सुमित सहगल साहब आए और उन्होंने कहा जी हसन जहांगीर साहब से मुझे मिलना है, और फिर एक मैनेजर आए, पता चला माधुरी दीक्षित की मैनेजर है, वो माधुरी जी भी आपसे मिलना चाहती हैं। तो फिर मैंने अपने मैनेजर से कहा, उन्होंने कहा सर वो सब मिलना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ करने का उनके रूम में आप मिल रहे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो मैं मिला, तो माधुरी जी मुझे मिली, कहने आपको, मैंने कहा आप भी सुनती मेरा गाना, कहने का कौन नहीं है जो आपके गाने सुनता है, कहले मेरी गाड़ी में अलग है, मेरे बेडरूम में अलग है, मेरी फैमिली के लिए अलग है आपके कैसेट। इसी तरह फिर गोविंदा साहब आए, उन्होंने बुके लेके, उनके साथ जो उनका भांजा है उसका नाम बड़ा मशहूर है आजकल, बहुत फेमस है वो, तो वो उस वक्त यंग लड़का छोटा सा था वो, और ये सब मेरे पास आए, और गोविंदा के ये भांजे भी उनके साथ थे। और उसके बाद जैकी श्रॉफ पार्टी में मिले, और यू गॉट अ गोल्डन वॉइस। फिर सोनू निगम अपनी फैमिली के साथ, अपनी वालिद के साथ, जिसके साथ वो मिलने के मुझे मिले। फिर उसके बाद हम शो कर रहे थे अमेरिका में, तो वहाँ पर मैंने रीमा जी को, मुनी गुलाम मुहिद्दीन, हनीफ राय, सबको सोनू निगम से मिलवाया। फिर अनिल कपूर के जो भाई हैं संजय कपूर, जो फिल्म आई थी राजा, उसके हीरो, वो उनको सबसे मिलाया, उनका मैनेजर यूसुफ। फिर उसके बाद मुझे सोनम कपूर, अनिल कपूर के फादर, उनकी पूरी फैमिली सुनने मुझे आए कराची में, और उस वक्त सोनम कपूर इतनी बड़ी थी, और आज वो उनकी पूरी फैमिली मेरे गाने के दीवानी है, डाई हार्ट फैन। बिल्कुल, इससे ये बात भी पता चल गई कि सोनम कपूर पाकिस्तान आ चुकी हैं आज, क्योंकि वो स्टार हैं, और इससे पहले स्टार बनने से पहले भी पाकिस्तान आ चुकी हैं। तो उस वक्त कौन सी हीरोइन पर आपका क्रश था? अरे सर, सारी हीरोइन मुझ पर क्रश रखती थी, मैं सबको पसंद करता था, तो सब आपके फैन थे, मगर आप खुद किसके फैन थे? सर उस जमाने में तो बस मैं तो उस वक्त हीरोइन पे इतना नज़र मेरा नहीं था, क्योंकि फिल्म विल्म का इतना मेरा वो नहीं था, मैं तो म्यूज़िक का, मैं डाई हार्ड फैन था। तो उस जमाने मेरे टाइम में 2-3 सिंगर मशहूर थी, उसमें से नाज़िया ज़ोहेब, और एक शारून पुरभारकर, अलीशा चुनाए, और उषा उथप, ये बड़े लोग थे ना। हाँ, मेरे जैसी हसीना का दिल यहाँ जिसे ही मिल जाए, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह बप्पी लहरी साहब का गाना, याद आ रहा है, ये गाने अभी मुझे अच्छे लगते थे। उनका डिस्को दीवाने, और ये सारे वो गाने हैं जो आज भी उतने ही मकबूल। जी हाँ, तो ये सब गाने मैं सुनता रहता था। अब एक्टर एक्ट्रेसेस तो मुझे फिर सभी लोग मिलने आते थे, आप उसमें से अमिताभ जी से लेके गोविंदा, मिथुन दादा, सब मुझे प्यार उन्होंने इतना दिया है कि मैं बहुत, मुझे खुशी होती है, क्योंकि बड़े इतना बड़ा बड़ा नाम है वो नाम, तो मैं तो जाहिर उनके सामने बच्चा है। अच्छा हसन भाई, आपने पाकिस्तान इंडिया दोनों में काम किया, दोनों में क्या डिफरेंस लगा काम के मामले में? वहाँ पर आपने प्लेबैक सिंगिंग भी की और अपने गाने भी गाए, पाकिस्तान में बहुत कम आपने प्लेबैक सिंगिंग की, गाने गाए, इसकी क्या वजह है? दे आर वेरी प्रोफेशनल, सबसे बड़ी बात यह है वो इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि कौन है, जिसके अंदर कोई चीज़ हिट है, टैलेंट है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बस इससे काम कराना है मुझे, अब उसको फिर अपने हिसाब से उसको करा लेते हैं काम। अब पाकिस्तान में तो बस लाइक पे चलता है, आप किसी को पसंद करते हो उसको कोई जाने ना जाने आप उसको गवा देंगे, लेकिन दुनिया में उसका नाम है, आपको पसंद नहीं है तो आप उसको ज़िंदगी भर नहीं गवाएंगे।
तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब तो दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद है मोबाइल, अब मोबाइल आपका टीचर है, मोबाइल पे आप हिट होते हैं तो दुनिया में आ जाता है। अभी जैसे मेरे गाने मोबाइल पे आप डाले, हसन जहांगीर हवा हवा, तो पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, हसन जहांगीर की एक लाइन आ जाएगी इतनी कि आप हैरान होंगे कि इतना काम। आज भी दुनिया में अगर किसी की गाने पे टिकटॉक बनाए सबसे ज़्यादा तो वो गाना है हवा हवा। हवा हवा, अच्छा हवा हवा की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी इस गाने को सुने ताजगी का एहसास होता है। तो इस गाने का आइडिया कैसा आया, जब आप लिख रहे थे, इसको कंपोज कर रहे थे, तो उस वक्त आपको ये अंदाज़ा था कि हवा हवा इतना हिट हो जाएगा कि कई दहाइयों के बाद भी वो ऐसा नया लगेगा? जितने भी गाने मैंने सोचे, क्रिएटिव किया मैंने, काम सोच के किया मैंने। मेरे कोई भी गाने एक दूसरे से रिजेंबलेंस नहीं मिलेंगे या किसी से चीट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो गाना मशहूर था तो वैसे ही गाना मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने ये फैशन के नए रंग हैं, नया है ये जमाना, 40 साल पहले ये गाना किया मैंने। फिर अचाना दिल है दीवाना, ये भी गाना अभी रिमिक्स हुआ फिल्म में। फिर आया है मौसम प्यार का, गया जमाना इंतजार का, ये ठीक। आ जाओ जरा मेहंदी लगा, शाबा वे नखरा गोरी दा, वाह वाह। मतलब गाने मेरे, और ये गाना भी इंडिया में कॉपी हुआ शाबा। बिल्कुल इसी तरह धाक चिक दिल बोले, अगर मिलना है मिले, शादी ना करना यारो पछताओगे, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो। हट मेरे, मतलब जो भी गाना आप सुनेंगे एक से डिफरेंट, चांद की परियां छोड़ के, तारों से रिश्ता तोड़ के, आया हूँ तुमसे मिलने इस दुनिया के बाजार में, ओ ओ। मतलब आप देखिए कि मुझे पहली दफा जिंदगी में चांस मिल रहा है गाने का, तो मैं गा क्या रहा हूँ। चीते की लपक है, बिजली से चमक है, स्मैश ऐसे मारे जैसे गोली चल जाए, इमरान खान ही इज अ सुपरमैन, सुपर 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 सुपरमैन। उस जमाने में किसी के तस्वुर नहीं था कि किसी क्रिकेटर की खिलाड़ी पे गाना बनेगा। इसी के साथ एक दूसरा गाना जो आज कॉपी हो रहा है, आ है तो राफ्ती कुजा मनम तू मजनू, आ है सियाहे जांगे दिलम ते कुन कुन, ओ जमल जमालो जमलो जमल बुलो। बिल्कुल जी, ये वो गाने हैं जो आज भी मकबूल है, और जो फन की फिर गोली आपने चलाई है वो आज तक उसका बारूद फैला हुआ है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और अगर आप गाना सीखना चाहते हैं, शौक है मौसीकी का, वो भी सीख सकते हैं, और किसी और से नहीं बल्कि हसन जहांगीर से ही सीख सकते हैं। हाँ। कैसे और क्यों, मगर ये बताएंगे हम एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा स्टे विद अस, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूँ राहिल बेकर, आप देख रहे हैं टी टाइम, और टी टाइम में आपकी मुलाकात हो रही है पॉप गुलकार हसन जहांगीर से। उनकी जिंदगी की बातें जान रहे हैं, और उस गोल्डन एरा की बातें हो रही हैं जब म्यूजिक सुना चाहता था, गाने वाले भी अच्छे थे, सुनने वाले भी अच्छे थे, और इसके साथ साथ अब आप कैसे सीख सकते हैं। तो हसन जहांगीर ने अपनी हसन जहांगीर म्यूजिक एकेडमी का भी आगाज कर दिया है, और यहाँ पर प्रॉपरली जो है म्यूजिक को सिखाया जा रहा है। तो हसन भाई, ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, इसके लिए तो आप सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थैंक यू। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, तो उन्होंने कभी अपने शागिर्द नहीं बनाए, कभी उनको पॉलिश नहीं किया, या अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमारे पास कोई ऐसी अकेडमीज नहीं है कि जहाँ पर जाके बच्चे सीखें, जैसे दुनिया भर में स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में म्यूजिक की क्लासेस होती हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो चले अब अच्छा है कि सोच बदल गई है, पहले तो इस काम को एक खास तबके के साथ मंसूब किया जाता था, मगर ये जो ख्याल आया है इतना ज़बरदस्त किस्म के, आपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अकेडमी बनाई है, तो ख्याल कैसे आया और अब रिस्पांस पब्लिकली कैसा आ रहा? बिल्कुल, ये HJ9 हसन जहांगीर म्यूजिक अकेडमी, ये हमने एफिलिएटेड है दुनिया भर के म्यूजिक इदारों से, और हम इस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। और मज़े की बात यह कि बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और इंग्लैंड, अमेरिका के जो बड़े बड़े म्यूज़िक के इदारे हैं उनसे ये कोऑर्डिनेशन होगी आपस में, ताकि हमारे स्टूडेंट वहाँ भी जाएंगे, उनके भी स्टूडेंट यहाँ विज़िट करेंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर जो हमारे मीडिया पे लाइव इंटरव्यूज़ और देंगे, वो हमारे बच्चों को इंटरनेशनली म्यूज़िक की कोचिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर मिक्का सिंह है, जावेद अली है,
और उदित नारायण साहब हैं और विजय कश्यप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अनु मलिक साहब हैं, बड़े बड़े हम इनसे सबसे कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो हमें लोगों को बताएं कि इतना बड़ा उनका नाम है और वो लोग चाहते हैं कि उन म्यूज़िक दुनिया में परवान चढ़े और पाकिस्तान में वैसे भी म्यूज़िक की थोड़ा सा मसला है तो चाहते हैं लोग म्यूज़िक सीखें। बिल्कुल, जो म्यूज़िक सीखे हैं और जिसको शौक है वो ज़रूर आए और ये खुदादाद सलाहियत होती है, इसको पॉलिश की ज़रूरत होती है। या तो आप फनकार या गुलकार होते हैं या तो नहीं होते हैं। तो अब ये जो नौजवान देख रहे हैं आप, जो आपके पास आ रहे हैं, उनमें कितना टैलेंट देख रहे हैं? माशाल्लाह राहिल, मैं आपको क्या बताऊँ, पहले तो मैं आपकी जो साउथ एशिया चैनल उसका शुक्रगुजार हूँ और आपका प्रोग्राम टी टाइम, और जो इतने बड़े बच्चों से लेकर बड़े हमारे एज के भी लोग आ रहे हैं म्यूज़िक सीखने। सबसे मुझे खुशी क्या हो रही है, बहुत ही बड़े बड़े साउंड फैमिली के, अच्छे फैमिली के और लेक्चरार की फैमिली, मेडिकल कॉलेजेस के लोग, उनके बच्चे छोटे छोटे गिटार सिंगिंग, मेल फीमेल बच्चियाँ, और दे फील प्राउड, वो यहाँ आके उनको लगता है, तो कह रहे हैं कि हमने इससे पहले ऐसा इदारा नहीं देखा कहीं, और इतना अच्छा सिस्टम और वेरी हाई फाई मॉडर्न अच्छा, और ये मिडिल एरिया में हमने बनाया क्योंकि सेंट्रल है, सेंट्रल में। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का और ये सब का, और यहाँ के एरिया के जो DC साहब, उन सबका मशकूर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया। और इसके लिए जो बच्चे आ रहे हैं म्यूज़िक सीख रहे हैं, उनके अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर जो एक जोश जज्बा है सीखने का, और इतनी जल्दी वो इतने अच्छे स्टाइल से प्ले कर रहे हैं, गिटार, कीबोर्ड, ढोलक, ड्रम, स्पेनिश गिटार, वायलिन, तो मुझे खुशी हो रही है कि बहुत टैलेंट है हमारे, बहुत जीनियस बच्चे हैं। और इन्हीं बच्चों में से हमें कोई हसन जहांगीर मिलेगा, इसी तरह से दूसरे नाम मिलेंगे, और हसन भाई एक अच्छी कोशिश है यकीनन। और पाकिस्तान का जो म्यूजिक है उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, एक दौर था पाकिस्तानी फिल्मों का जो म्यूजिक था वो सरहद पार भी कॉपी हुआ और आज भी वो गाने पसंद किए जाते, चाहे नैयर खान साहब के हों, ए नैयर हों, ऐसे अहमद रिश्दी हों और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मगर आज के म्यूज़िक को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या म्यूज़िक हो रहा है या आप समझते हैं कि बस भेड़ चाल है? बहुत आपने अच्छी बात की, क्यों मैंने एक चीज़ सीखा ज़िंदगी में कि जो जितना स्ट्रगल करके ऊपर आया है, अगर सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन कहते हैं, देखिए गलत जगह पे भी स्ट्रगल कर रहे तो वो तो बेकार है, लेकिन राइट डायरेक्शन पे जो स्ट्रगल करके आया वो उतने ही टाइम में फिर खत्म होता है और एकदम से जो से और उतनी ही तेजी से, उतनी तेजी से। तो इसलिए क्योंकि अभी क्या है कि म्यूजिक में टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो बहुत आगे चला गया है, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस, मैंने अमेरिका वगैरह में कहीं भी दुनिया में जाएं तो आपको डिग्री के साथ तो पूछ लेंगे आपने डिग्री आपने किया, आप बोलेंगे हाँ, फिर वो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कितनी है आपकी, अगर आपने कहा नहीं मेरे एक्सपीरियंस, तो कहेंगे आपको बस फिर जीरो से आना है, अगर आपके पास 5 साल 6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो आपको एडवाइस करेंगे और फिर आपको ट्रेनिंग के तौर पे वो आपको ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, आप दुनिया भर जी, पूरी दुनिया में माशाल्लाह माशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन किया है, क्योंकि जब फनकार के नाम से लफ्ज जुड़ता है पहले पाकिस्तान से आए हुए गुलकार, तो उस वक्त कैसा फील होता था कि जब आप दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे, उस वक्त के कुछ फीलिंग्स अपनी बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए मैं ओलंपिक 2008 में चाइना गया, 69 कंट्री के पॉप स्टार आए हुए थे, तो जब मैं वहाँ गया तो स्टेडियम में बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो गए थे, तो फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर हमें परफॉर्मेंस का मौका मिला, तो सारे सिंगर को 5 मिनट का टाइम दिया गया कि भाई 5 मिनट है फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, आपने परफॉर्म करना है। तो जब मैंने परफॉर्मेंस दिए तो मेरे ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मेरे जैसे 5 मिनट होने वाला था, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सिग्नल मिला कि इनको और थोड़ी देर परफॉर्मेंस को, मतलब उनको इतना अच्छा माशाल्लाह से अच्छा लगा, तो मुझे 7 मिनट की परफॉर्मेंस देखी उन्होंने, तो और फिर 50,000 आदमी एक एक स्टेडियम में। तो जब मैं गा रहा था अपने गाने, हटो दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो मच, ऐसा लग रहा था जैसे उनका गाना है वो गा रहे हैं, वो गा। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरा नाम नहीं, ये तो मुल्क का नाम रोशन होता है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं दुनिया में जहाँ भी गया हूँ, जब भी मैंने गाया है तो लोगों में एक मैजिक होता है, लोग पसंद करते हैं और पाकिस्तान का नाम अल्लाह की रहमत से रोशन होता है। और बिल्कुल, ये आर्टिस्ट के लिए भी बड़ी बात होती है कि उसकी पहचान उसका काम हो, और आपके जाने से पहले जो आपका काम वहाँ पहुँचा होता है तो वो दिलों में जो मोहब्बत और लोगों का जो वार्मली वेलकम होता है वो जज्बा काबिले दीद होता है। और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, बहुत कम ऐसा होता है कि फनकारों की ज़िंदगी में उनको पसीराई दी जाए या उनके लिए कोई
जगह उनके नाम से मंसूब की जाए। तो आपके नाम से कराची में एक स्ट्रीट भी है, माशाल्लाह। तो किस जगह पर है, कहाँ है, ताकि जो आपके फैंस हैं वो भी वहाँ पे जा सके। तो ये जो लम्हा होता है आपके नाम से किसी चीज को मंसूब करना, तो इसके भी जरा आप शेयर कीजिएगा, क्या फीलिंग है? मैं तो पहले मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और कराची सेंट्रल की और कराची के काउंसलर सेट सिटी नाजिम टाउन नाजिम इन सब का, क्योंकि और डीसी साहब का, पूरी उनकी टीम का। क्योंकि जब शहर पाकिस्तान से आप सोहराब गोट की तरफ जा रहे होंगे पूरा हैदराबाद, तो वाटर पम्प की चौरंगी से सोहराब गोट के बीच में लेफ्ट मेन रोड पर एक स्ट्रीट है अंचोली सोसाइटी, जहाँ मैं रहता था, उस स्ट्रीट का नाम हसन जहांगीर स्ट्रीट है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पे मेरे जो दोस्त अहबाब आज वो फील प्राउड महसूस करते हैं, अच्छा लगता है उनको। इसी तरह ये म्यूज़िक एकेडमी, हसन जहांगीर म्यूज़िक एकेडमी, इसी तरह मुझे सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान सबसे बड़ा अवार्ड वो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुरादा, और बहुत सारी चीज़ें नई नई दुनिया में मुझे, मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मेरा इंटरव्यू हुआ, और अमेरिका में स्टेट गेस्ट में रहा, इंडिया में तानसेन अवार्ड, फना अवार्ड, फना अवार्ड, राज कपूर अवार्ड, बड़े बड़े, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निगार अवार्ड, और बड़े बड़े दुनिया में अमेरिकन अवार्ड्स मुझे मिले। बांग्लादेश के HM शेख हसीना साहिबा ने, HM इरशाद साहब ने मुझे बुलाया, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों ने मुझे हर साल में बुलाया वहाँ परफॉर्मेंस में, उतने ही पॉपुलर में बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, जिधर भी जाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मुझे यही पज़ीरारी ऐसा मिलता है जैसे वही मेरा मुल्क है, इतना प्यार। बिल्कुल, और ये मोहब्बतें हैं, और ये मोहब्बतों के जज्बे के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से आपकी मोहब्बतें और इज्जतें बढ़ाता रहे। दुनिया भर में आपने अवार्ड हासिल किए, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश, जिस तरह से अमरीका, इंडिया, और ये तमाम अवार्ड्स आपके फ़न की कदरदानी थी। और अब क्या देखते हैं कि अब भी अवार्ड शोज़ होते हैं, जो पहले एक मेयार होता था पाकिस्तान में अवार्ड शोज़ का, निगार अवार्ड हर फनकार का ख्वाब होता था, इसी तरह से नेशनल अवार्ड था, नैपटेक था, मगर अब सिर्फ एक अवार्ड है जो अक्सर मुतनाज़ा रहता है कि कहा जाता है कि मनपसंद लोगों को दिया जाता है, तो आप इस बात से कितना मुत्तफिक हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो लोग डिजर्विंग लोग हैं उनको अवार्ड मिलता है, मिलना भी चाहिए। और ये अवार्ड एक तरह की एक रिकग्नाइजेशन होती है, अवार्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि 10 अरब रुपये मिल गए या 10 करोड़ रुपये मिल गए। अवार्ड एक आपका एक क्लास होता है, मतलब एक पैमाना होता है कि आर्टिस्ट ने इतनी मेहनत की है तो उसको ये अवार्ड ने मुखा, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, यही सब बड़े अवार्ड्स हैं। अब ये अवार्ड आपको एक मिला, दो मिला, तीन मिला, तो ये आपके क्रेडिट पे काउंट होता है। अब जैसे फिल्मी अवार्ड है तो वो निगार सबसे बड़ा है, तो ये सब एक तमगा है आपको सितारा लगते जाते हैं। बिल्कुल, और ये आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। असल रिवॉर्ड वो होता है जब आप क्राउड पे जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, वो आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपके काम को आपके साथ शेयर करते हैं, आपके गानों को बताते हैं कि हमने ये सुना, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। बिल्कुल। तो टी टाइम का ये जो वक्त है अपने एंडिंग की तरफ, इख्तिताम की तरफ है, तो हसन भाई क्या मैसेज देंगे अपने फैंस को, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस फन में आना चाहते हैं, फन गुलकारी में आना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है और अपने फैंस के लिए क्या कहेंगे? मैं सबका मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और साउथ एशिया चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपके प्रोग्राम टी टाइम का, राहिल साहब आपकी मोहब्बत का, और मेरे दुनिया भर में जितने भी फैंस, म्यूज़िक लवर्स चाहने वाले हैं उनको मैं कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल हवा हवा बाई हसन जहांगीर ऑफिशियल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है हसन जहांगीर ओनली, उसको भी लाइक करें, फॉलो करें। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हसन जहांगीर म्यूज़िक एकेडमी को भी लाइक करें, और अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपनी चीज़ें लिखें, बताएं और प्रमोट करें हसन जहांगीर म्यूज़िक एकेडमी को, और क्योंकि अपकमिंग जनरेशन का फ्यूचर म्यूज़िक का मेरे एकेडमी से जुड़ा हुआ है। तो आप जितना मेरे साथ देंगे, जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना मुझे मेंटली सपोर्ट, मोरली सपोर्ट जितना करेंगे, ये एक नई जनरेशन पर आपका एहसान होगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। हसन जहांगीर से गुफ्तगू हो रही थी, यकीनन उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानने का भी मौका मिला कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की, किस तरह से अपना मकाम बनाया, और अगर आपका जज्बा सच्चा हो, नीयत सच्ची हो, तो मंजिल ज़रूर मिल जाती है। रास्ते मुश्किल होते ज़रूर हैं, मगर मंजिल आपकी मंतज़िर होती है, उसके लिए आपका जुनून और जज्बा
होना ज़रूरी है, तो तब जाकर फिर आप हसन जहांगीर बन सकते हैं। और किसी भी शख्सियत बनने के लिए किसी भी मेहनत से कोशिश से मत घबराएं। और मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़रख़ेज़ बनाया है, चाहे वो फ़न के हवाले से हो, और अपने फ़नकारों की कदर करें, इज्जत करें, और आपकी मोहब्बत ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड होती है। इसी के साथ राहिल ब्रेक को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी टी टाइम में, तब तक के लिए अल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा राहिल साहब, आपने इतना खूबसूरत इंटरव्यू किया है, तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी का जो सबसे पहला गाना आज से 45 ईयर्स पहले इन 1982 में मैंने गाया, उसकी दो लाइन नजर करो। बिल्कुल, और उसी से हम अपने प्रोग्राम के एंडिंग पे जाएंगे, और एक बार फिर हसन जहांगीर। आहे तू रफ्ती कुजा मनाम ते मजनू, आहे सी आहे जांगे दिलाम ते खुनकुन, ओ जमल जमालो जमालो जमल बुलो, जमल जमालो जमालो जमल बुलो, हे मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं बना मेरे लिए तू, आ जाने मन दिल में आ जाने मन ना, आ जाने मन दिल में आ जाने मन ना, आ जा जाने मन ना, जा जाने मन ना। जरूर